इंडिया की समन्वय समिति की बैठक से पहले बोले लालू प्रसाद यादव, दूल्हा गठबंधन में से ही कोई होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पैसा बर्बाद किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ सोमवार 11 सितंबर की सुबह झारखंड के बैद्यनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कई बड़ी बातें कही। लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि 28 दलों को मिलाकर यह संगठन बना है, इसी में से कोई एक दूल्हा होगा। ANI के मुताबिक RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, हम वापस जाकर इंडिया गठबंधन पर काम शुरू करेंगे और उम्मीदवार चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। इसी की बैठक दिल्ली में है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाएंगे। हम बिहार के मुख्य इलाकों में भ्रमण करेंगे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि G20 से क्या फायदा हुआ, लोगों को बुलाकर इतना खर्चा कर देश की आम जनता को क्या फायदा होगा। बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश का पैसा बर्बाद किया है, देश की हालत ठीक नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है और महंगाई बेहिसाब है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से देश की जनता को छलने का काम किया है। बता दें, लालू प्रसाद यादव रविवार 10 सितंबर को ही देवघर पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर लालू प्रसाद यादव सर्किट हाउस में ठहरे थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यात्रा विशेष मानी जा रही है। इससे पहले 4 सितंबर को लालू यादव ने राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। 6 सितंबर को जन्माष्टमी पर वो बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ बांके बिहारी मंदिर भी गए थे। यहाँ नंदी की कान में उन्होंने अपनी मन्नत भी बोली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।